अलैकुम भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आ जाएं बैठे भाई। हाँ भाई बैठ रहा हूँ। क्या कर रहे हो यार? राशन तकसीम करना है तो सफेद पोश जरूरतमंद लोगों के नाम तजवीज कर रहा हूँ और वही लिख रहा हूँ। यार हमें तो सफेद पोश मिलते नहीं है, ना ही मालूम है, किसी फकीरों को दे देते। यार जैसा कि मुतवस्सित तबका है, दिहाड़ीदार मजदूर हैं, गार्ड है, माली है या घर में काम करने वाली खातून, ये सारे सफेद पोश तबका में आते हैं। ये बाहर छाबड़ी फरोश है, सब्जी बेचने वाला है, इन तमाम लोगों की माकूल तनख्वाह होती है जिस पे घर का गुजारा होना बहुत मुश्किल है इस महंगाई के दौर में। यार हम तो समझते हैं ये सारे लोग तनख्वाहदार हैं, ये सारे अयाशा कर रहे हैं, हमें तो मालूम नहीं है ये इतला इनकी तनख्वाहें कम होती हैं, हम तो इनको तनख्वाह वाला समझते हैं। यार ये ठीक है माकूल तनख्वाह लेते हैं, लेकिन आप यूँ समझे ना, एक गार्ड की कितना तनख्वाह हो सकती है? 10-12-15 हज़ार रुपये। 10-12-15 हज़ार रुपये में क्या घर चला सकते हो आप? कभी आपने इस चीज़ का अंदाजा लगाया है? हाँ यार ये तो बिल्कुल मुझे अंदाजा नहीं था, आपने जो बात की है आपने तो मेरी आंखें खोल दी हैं भाई। असल सफेद पोश लोग तो यही हैं, इनका हक है, इनको देना चाहिए। मैं तो जो भी आता था उसे दे देता था। हाँ भाई ये लोग हमारे मुआशरे में, हमारे रिश्तेदारों में और हमारे खानदान में मौजूद होते हैं, हमें इन सही हकदारों को तलाश करना चाहिए और इन तक हक पहुँचाने की कोशिश करना चाहिए। प्यारे दोस्तों यकीनन आपको ये हमारी मुख्तसर सी वीडियो जो कि आगाही के लिए बनाई गई है, ये पैगाम आपने ज़रूर अपने तमाम अहबाब में शेयर करना है और आपने भी सही हकदारों तक उनका हक पहुंचाने की कोशिश करनी है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।